मैन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द रिलीज मैम. थैंक यू सो मच. और धनम हमारे बीच में है. जो आपका किरदार है बेसिकली, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को. यस, मेरा कैरेक्टर नेम है पवनी. सो पवनी एक विलेज गर्ल है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है, मम्मी डैडी दीदी. तो सडनली उनकी दीदी को रेप कर देता है और मेरे मॉम और डैड को मार डालता है. सो सडनली उसको भी रेप करने की कोशिश करता है. वो किसी भी हालत में भाग के नक्सलाइट बन जाता है. वो नक्सलाइट क्यों बनता है और क्या क्या वो जर्नी है वो 14 अप्रैल को आपको देखने मिलेगा. बट वेरी इनोसेंट गर्ल की कहानी है, बट सडनली वो नक्सलाइट बन जाता है. तो वो जर्नी. तो आपके इस मतलब किरदार में बेसिकली हैव यू गॉन थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, एनी मेंटल चैलेंजेस, बैरियर ड्यूरिंग शूट, ये मतलब पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर? एग्जैक्टली, इस शूट के बारे में बताऊंगी कि हम लोग डे नाइट शूट कर रहे थे. पहले भी मैंने बोला कि लोकेशन इतना ड्राई लोकेशन था, बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा, मतलब खाना खाने का मन नहीं कर रहा था. मतलब खाना सामने था पर लोग सिर्फ पानी पी रहे थे. मतलब ऐसा लग रहा है पानी भी असर नहीं हो रहा है. मतलब आप मतलब जो लोग एक्सपीरियंस किया है वो पता है. एंड ऑल आर ड्राई ट्रीज, मतलब ऐसे कांटे लगते हैं ना, चुप रहा था वो वाला था. और कूलर भी काम नहीं कर रहा था, कूलर स्टॉप कर रहे थे. मतलब ऐसा हवा चाहिए था और गर्मी हवा चल रहा था. एंड उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ से नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे, मतलब ऐसा था. क्योंकि इतने सामान ऊपर पॉसिबल नहीं था. एंड कैमरा पकड़ के भी जो टीम लोग थे पकड़ पकड़ के ऊपर जा रहे थे. तो वो जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगता है कि एज अ एक्टर एंड नाइट को जब शूट हो रहा था, जंप कर रहे थे और नीचे सेफ्टी कुछ नहीं है, जंप कर रहे थे बॉयज, नाइट शूट एंड बूम ब्लास्टिंग गन्स ये सब. सो वो एक अजीब एक्सपीरियंस था. प्लीज शेयर योर प्रिपरेशन एंड योर कीज फॉर दिस कैरेक्टर. मतलब क्या आपने इस कैरेक्टर के साथ कैसे अपने प्रिपरेशन करी है? और मैं जब भी कोई सब्जेक्ट मुझे मिलता है ना, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेती हूँ कि अगर वो रियल स्टोरी होता है तो मुझे जानना पड़ता है कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या, कैसा बॉडी लैंग्वेज, अगर रियल स्टोरी है. अगर रियल स्टोरी नहीं है तो देन मैं एक देखती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होते हैं, आई मीन उन लोग का कैसा रिएक्शन होता है. तो समटाइम थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ता है. समटाइम जैसे चरित्रहीन, जैसे चरित्रहीन, मैं वो कैरेक्टर खुद प्ले किया था. मैंने अपना एक लुक अपने से ही मैंने किया था. वो अच्छा. एक हिट हुआ था, आई मीन चरित्रहीन 1, 2, 3. तो समटाइम थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ता है. समटाइम थोड़ा सा मैं कैरेक्टर को फील करके मैं खुद से प्रेजेंट करती हूँ. तो इस कैरेक्टर के साथ आपका मतलब कैसा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस है आपके पास? मतलब क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है एज पर योर पर्सनैलिटी. मतलब हाँ, व्यापार है और नफरत का बाजार है. यह दहशत का व्यापार है और नफरत का बाजार है. मौत हवा में बहती है और मिट्टी भी खूंखार है. दहनम 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 दहनम.